दोस्तों रॉय ने जब अपना फ्रिज खोला तो उसमें उसे अपनी क्रश सोनिया का सर रखा दिखा, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी डरा नहीं और उसके सर से बातें करने लगता है, क्योंकि रॉय को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो लोगों से और जानवरों से बातें करता है और उसे भी लगता है कि वो लोग भी उससे बात कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे रॉय की बीमारी काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले उसे सिर्फ जानवर बोलते दिखते थे लेकिन अब उसे मरे हुए लोग भी बोलते दिखते हैं। और एक दिन सोनिया के सर ने रॉय से कहा कि वो अकेली फ्रिज में बोर हो रही है, इसलिए उसे बातें करने के लिए कोई दोस्त चाहिए। तो रॉय अपने ऑफिस में काम कर रही एक लिसा नाम की लड़की को अपना टारगेट बनाता है, क्योंकि लिसा उसे पसंद करती है। इसलिए रॉय उसे डेट पर ले जाता है और फिर उसे मारने के लिए अपने बचपन के घर। लेकिन उससे बातें करने के बाद रॉय को वो पसंद आने लगती है और वो उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकता है, इसलिए रॉय उसे मारता नहीं है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन लिसा रॉय को सरप्राइज देने उसके असली घर पर आ जाती है, जिसे देखकर रॉय काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी उसका गेट अंदर से लॉक हो चुका था, जिसे सिर्फ अब अंदर से खोला जा सकता है। इसलिए रॉय छत के रास्ते घर में जाता है, लेकिन लिसा को पिन के जरिए घर का लॉक खोलना आता है और वो घर में चली जाती है, जहां उसे कपड़े से ढका किसी का सर दिखता है जिसे वो बस देखने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां रॉय आ जाता है और लिसा को घर के अंदर देख वो रोने लगता है, क्योंकि अब रॉय को उसे भी मारना पड़ेगा।